श्रीमद् भागवत महापुराण स्कंद 10वां अध्याय 76वां शाल्व के साथ यादवों का युद्ध। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अब मनुष्य की सी लीला करने वाले भगवान श्री कृष्ण का एक और भी अद्भुत चरित्र सुनो। इसमें यह बतलाया जाएगा कि सौभ नामक विमान का अधिपति शाल्व किस प्रकार भगवान के हाथ से मारा गया। शाल्व शिशुपाल का सखा था और रुक्मणी के विवाह के अवसर पर बारात में शिशुपाल की ओर से आया हुआ था। उस समय यदुवंशियों ने युद्ध में जरासंध आदि के साथ साथ शाल्व को भी जीत लिया था। उस दिन सब राजाओं के सामने शाल्व ने यह प्रतिज्ञा की थी कि मैं पृथ्वी से यदुवंशियों को मिटाकर छोड़ूंगा, सब लोग मेरा बल पौरुष देखना। परीक्षित, मूढ़ शाल्व ने इस प्रकार प्रतिज्ञा करके देवादिदेव भगवान पशुपति की आराधना आरम्भ की। वह उन दिनों दिन में केवल एक बार मुट्ठी भर राख फांक लिया करता था। यूं तो पार्वती पति भगवान शंकर आशुतोष हैं, ओडर दानी हैं, और फिर भी वे शाल्व का घोर संकल्प जानकर एक वर्ष के बाद प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने शरणागत शाल्व से वर मांगने के लिए कहा। उस समय शाल्व ने यह वर मांगा कि मुझे आप एक ऐसा विमान दीजिए जो देवता, असुर, मनुष्य, गंधर्व, नाग और राक्षसों से तोड़ा ना जा सके, जहाँ इच्छा हो वहीं चला जाए और यदुवंशियों के लिए अत्यंत भयंकर हो। भगवान शंकर ने कह दिया, तथास्तु। इसके बाद उनकी आज्ञा से विपक्षियों के नगर जीतने वाले माय दानव ने लोहे का सौभ नामक विमान बनाया और शाल्व को दे दिया। वह विमान क्या था, एक नगर ही था। वह इतना अंधकारमय था कि उसे देखना या पकड़ना अत्यंत कठिन था। चलाने वाला उसे जहां ले जाना चाहता वहीं वह उसकी इच्छा करते ही चला जाता था। शाल्व ने वह विमान प्राप्त करके द्वारका पर चढ़ाई कर दी, क्योंकि वह वृष्णिवंशी यादवों द्वारा किए हुए वैर को सदा स्मरण रखता था। परीक्षित, शाल्व ने अपनी बहुत बड़ी सेना से द्वारका को चारों ओर से घेर लिया और फिर उसके फल फूल से लदे हुए उपवन और उद्यानों को उजाड़ने और नगर द्वारों, फाटकों, राजमहलों, अटारियों, दीवारों और नागरिकों के मनोविनोद के स्थान को नष्ट भ्रष्ट करने लगा। उस श्रेष्ठ विमान से शस्त्रों की झड़ी लग गई। बड़ी बड़ी चट्टानें, वृक्ष, वज्र, सर्प और ओले बरसने लगे। बड़े जोर का बवंडर उठ खड़ा हुआ। चारों ओर धूल ही धूल छा गई। परीक्षित, प्राचीन काल में जैसे त्रिपुरासुर ने सारी पृथ्वी को पीड़ित कर रखा था, वैसे ही शाल्व के विमान ने द्वारकापुरी को अत्यंत पीड़ित कर दिया। वहां के नर नारियों को कहीं एक क्षण के लिए भी शांति ना मिलती थी। परम यशस्वी वीर भगवान प्रद्युमन ने देखा कि हमारी प्रजा को बड़ा कष्ट हो रहा है। तब उन्होंने रथ पर सवार होकर सबको ढाढ़स बंधाया और कहा कि डरो मत। उनके पीछे पीछे सात्यकी, चारुणद्वेष, सांब, भाइयों के साथ अक्रूर, कृतवर्मा, भानुविंद, गद, शुक, सारण आदि बहुत से बड़े बड़े वीर धनुष धारण करके निकले। ये सब के सब महारथी थे। सब ने कवच पहन रखे थे और सबकी रक्षा के लिए बहुत से रथ, हाथी, घोड़े तथा पैदल सेना साथ चल रही थी। इसके बाद प्राचीन काल में जैसे देवताओं के साथ असुरों का घमासान युद्ध हुआ था, वैसे ही शाल्व के सैनिकों और यदुवंशियों का युद्ध होने लगा। उसे देखकर लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते थे। प्रद्युमन जी ने अपने दिव्य अस्त्रों से क्षण भर में ही सौभमती शाल्व की सारी माया काट डाली। ठीक वैसे ही जैसे सूर्य अपनी प्रखर किरणों से रात्रि का अंधकार मिटा देते हैं। प्रद्युमन जी के बाणों में सोने के पंख एवं लोहे के फल लगे हुए थे। उनकी गांठें जान नहीं पड़ती थी। उन्होंने ऐसे ही 25 बाणों से शाल्व के सेनापति को घायल कर दिया। परम मनस्वी प्रद्युमन जी ने सेनापति के साथ ही शाल्व को भी 100 बाण मारे। फिर प्रत्येक सैनिक को एक एक और सारथियों को 10-10 तथा वाहनों को 3-3 बाणों से घायल किया। महामना प्रद्युमन जी के इस अद्भुत और महान कर्म को देखकर अपने एवं पराए सभी सैनिक उनकी प्रशंसा करने लगे। परीक्षित, मय दानव का बनाया हुआ शाल्व का वह विमान अत्यंत मायामय था। वह इतना विचित्र था कि कभी अनेक रूपों में दिखता तो कभी एक रूप में, कभी दिखता तो कभी ना भी दिखता। यदुवंशियों को इस बात का पता ही ना चलता कि वह इस समय कहाँ है। वह कभी पृथ्वी पर आ जाता तो कभी आकाश में उड़ने लगता, कभी पहाड़ की चोटी पर चढ़ जाता तो कभी जल में तैरने लगता। वह अलात चक्र के समान मानो कोई दुमुही लुकारियों की बनेठी भांज रहा हो घूमता रहता था। एक क्षण के लिए भी कहीं ठहरता ना था। शाल्व अपने विमान और सैनिकों के साथ जहाँ जहाँ दिखाई पड़ता वहीं वहीं यदुवंशी सेनापति बाणों की झड़ी लगा देते थे। उनके बाण सूर्य और अग्नि के समान जलते हुए तथा विषैले सांप की तरह असह्य होते थे। उनसे शाल्व का नगराकर विमान और सेना अत्यंत पीड़ित हो गई। यहाँ तक कि यदुवंशियों के बाणों से शाल्व स्वयं मूर्छित हो गया। परीक्षित, शाल्व के सेनापतियों ने भी यदुवंशियों पर खूब शस्त्रों की वर्षा कर रखी थी। इससे वे अत्यंत पीड़ित थे, परंतु उन्होंने अपना अपना मोर्चा छोड़ा नहीं।
वे सोचते थे कि मरेंगे तो परलोक बनेगा और जीतेंगे तो विजय की प्राप्ति होगी। परीक्षित, शाल्व के मंत्री का नाम था घुमान, जिसने पहले प्रद्युमन जी ने 25 बाण मारे थे। वह बहुत बली था। उसने झपट कर प्रद्युमन जी पर अपनी फौलादी गदा से बड़े जोर से प्रहार किया और मार लिया कहकर गरजने लगा। परीक्षित, गदा की चोट से शत्रु दमन प्रद्युमन जी का वक्ष स्थल फट सा गया। दारुक का पुत्र उनका रथ हाँक रहा था। वह सारथी धर्म के अनुसार उन्हें रणभूमि से हटा ले गया। दो घड़ी में प्रद्युमन जी की मूर्छा टूटी। तब उन्होंने सारथी से कहा, सारथे, तूने यह बहुत बुरा किया, तू मुझे रणभूमि से हटा लाया। सूत, हमने ऐसा कभी नहीं सुना कि हमारे वंश का कोई भी वीर कभी रणभूमि छोड़कर अलग हट गया हो। यह कलंक का टीका तो केवल मेरे ही सिर पर लगा। सचमुच सूत, तू कायर है, नपुंसक है। बतला तो सही, अब मैं अपने ताऊ बलराम जी और पिता श्री कृष्ण के सामने जाकर क्या कहूँगा। अब तो सब लोग यही कहेंगे ना कि मैं युद्ध से भाग गया। उनके पूछने पर मैं उनके अनुरूप क्या उत्तर दे सकूँगा। मेरी भाभियाँ हंसती हुई मुझे साफ साफ पूछेंगी कि कहो वीर, तुम नपुंसक कैसे हो गए? दूसरों ने युद्ध में तुम्हें नीचा कैसे दिखा दिया? सूत, अवश्य ही तुमने मुझे रणभूमि से भगाकर अक्षम्य अपराध किया है। सारथी ने कहा, आयुष्मान, मैंने जो कुछ किया है सारथी का धर्म समझकर ही किया है। मेरे समर्थ स्वामी, युद्ध का ऐसा धर्म है कि संकट पड़ने पर सारथी रथी की रक्षा कर ले और रथी सारथी की। इस धर्म को समझते हुए ही मैंने आपको रणभूमि से हटाया है। शत्रु ने आप पर गदा का प्रहार किया था, जिससे आप मूर्छित हो गए थे, बड़े संकट में थे, इसी से मुझे ऐसा करना पड़ा। श्रीमद्भागवत महापुराण स्कंद 10वां अध्याय 76वां समाप्त।